हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा रेसिपी है पोई शाक का रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और घर पे झटपट से आप ये रेसिपी को बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होता है खाने में। ये जो डिश आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही सिंपल है। ये डिश आप रोटी, राइस सबके साथ खा सकते हैं। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे 4 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड की हूँ। तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बे लीव्स, ड्राई चिली, होल गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून पंचफोड़न, 2 ग्रीन चिली, 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर। अभी मैं ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज को थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए भूनना है, जैसे कि गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ आलू, कटा हुआ कद्दू और कटा हुआ बैंगन। आप ये सारे सब्जी को थोड़ा बड़ा साइज़ कट करें। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स कर दे मसाले के साथ। ये सब्जी को अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि ये पूरा नरम हो जाएगा वैसे ही हमको फ्राई करना है। अभी मैं इसका ढक्कन लगाकर रख दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं ये चेक कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा नरम हो चुका है और 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। ये सारी सब्ज़ी अच्छे से नरम होने के बाद हमारा ये सब्जी रेडी होगा। अभी मैं इसमें पोई का साग ऐड कर रही हूँ। तो पोई का साग ऐड करने के बाद फिर मैं ये सारे सब्जी को अच्छे से पोई के साथ मिक्स कर लूँगी। ये पोई शाक की सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही हेल्दी होता है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून पोस्तों का पेस्ट, जो कि पोपी सीड का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून आपका रेड चिली पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं सब्जी के साथ। तो यहाँ पे मेरा सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्जी के साथ। तो ये आपका सब्जी अच्छे से बन चुका है। अभी मैं स्पैचुला की मदद से सारे भेजी को थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ। ऐसे प्रेस करने से सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। आप लोग प्लीज़ ये रेसिपी को एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही यम्मी भी। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा शुगर। शुगर आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ग्रेटेड नारियल। नारियल आपको सब्जी होने के बाद ही ऐड करना है और नारियल डालने के बाद हमको ये सब्जी को ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये इसमें से उसका टेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरा ये सब्जी अच्छे से रेडी हो चुका है और ज़्यादा टाइम के लिए इसको फ्राई नहीं करना है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। आप लोग ये रेसिपी को एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए, ये पूरा मंदिर में जैसे भोग लगता है वैसे ही होता है। तो यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है पोई साग का सब्जी। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। राइट साइड पे जो बेल बटन है उसका दबाएं, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो पहले आपके पास पहुँच जाए। फिर मिलेंगे और एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।